So good morning everyone. Hi, this is Janesh Kutha here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, hum log kya karenge? Hum log sum number 9 solve karne wale hain aaj. The name of the chapter is final accounts of propriety concern. Main 11th standard index book se sum solve kar raha hu, that is sum number 9 and page number agar aap dekh sakte ho to page number 326 hai. So let's start discussing the sum from the following trial balance of Shraddha Enterprises. You are required to prepare. हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है स्टूडेंट्स. और हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? हमें ट्रायल बैलेंस दिया और एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. चलो तो ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट. ओके, हम लोग सबको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स, तो ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. परचेसेस कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. रिटर्न इनवर्ड, तो स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए तो रिटर्न इनवर्ड लिख दो. रिटर्न इनवर्ड मतलब माल अंदर आ जाए. तो ये मेरा क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया. ये मेरा क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया. क्यों सेल्स रिटर्न हुआ? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो माल बेचा था वो वापस आ गया. और सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स क्या होगा? सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा, लेस फ्रॉम सेल्स. और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? सेल्स को टिक कर देंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है. फाइन, मूविंग फॉरवर्ड आगे वेजेस है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. पावर एंड फ्यूल अगेन ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट्स कहाँ आएगा? मेरा पीएनएल में आएगा. ऑडिट फीस इज अगेन पीएनएल. रॉयल्टी, रॉयल्टी स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस. बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस. डेटर्स, डेटर्स इज माय करंट एसेट. फर्नीचर, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट. प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट. फ्लूइड प्रीमाइस इज अ फिक्स्ड एसेट. एंड रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस स्टूडेंट्स, ये क्या मेरे लिए खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. चलो आइए क्रेडिट साइड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. कैपिटल स्टूडेंट्स, कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड जाता है. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अ करंट लाइबिलिटी. बिल्स पेबल इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी. अच्छा, सेल्स स्टूडेंट, सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा. ग्रेट. रिटर्न आउटवर्ड, तो स्टूडेंट रिटर्न आउटवर्ड हमारे लिए क्या है? परचेज रिटर्न है. जो माल खरीदा तो वो वापस भेज दिया, इट्स अ परचेज रिटर्न. और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेस फ्रॉम परचेज कर देंगे. जिस तरह से सेल्स रिटर्न को लेस फ्रॉम सेल्स करते हैं, उसी तरह से परचेस रिटर्न को क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेस करेंगे. और मैं क्या कर रहा हूं वहां पे? परचेस को टिक कर रहा हूं, परचेस में एडजस्टमेंट है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डिस्काउंट स्टूडेंट्स क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है. एंड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम लोग पूरा फॉर्मुला लिख देंगे बैड डेब्ट्स का. फाइन, और अगर चाहिए तो यहाँ पे टिक कर लो, क्योंकि बैड डेब्ट्स में भी पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मुला बनाना पड़ेगा हमें. ग्रेट. अब स्टूडेंट्स, मैं टेक्स्ट बुक को नीचे लेके जा रहा हूँ, सो आई हैव टू रब दिस पार्ट. ओके, आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया हो साथ साथ में. सो अब एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. और एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस इज प्रीपेड. प्रीपेड स्टूडेंट्स देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो प्रीपेड वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? हमेशा लेस होगा. लेस तो कहां से लेस करेंगे? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. और एडवांस में खर्चा कर दिया, प्रीपेड मतलब पहली पेमेंट कर दिया. एडवांस में खर्चा करना इज एन एसेट, बिकॉज खर्चा हो गया लेकिन उसका बेनिफिट मिलना अभी भी बाकी है. So it is an asset for us. Great. Closing stock दिया हुआ है 380,000 cost price, 4 lakh market price. तो क्या करेंगे students? Whichever is less. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था students, whichever is less क्यों लेंगे? Because conservatism rule होता है. Conservatism rule मतलब क्या होता है? हमेशा हमें to be play, safe play करना है, ताकि हम क्या करेंगे? Asset को कम से कम भाव में record कर लें. अगर कम से कम भाव में record करेंगे students, तो future में ताकि क्या होगा? Future में जाकर हम जब उसको बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. चलो तो दो इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड. लर्न कर लो इसको. और 380,000 ये क्या आएगा यहाँ पे? 380,000 आएगा व्हिचएवर इज लेस. आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग हमेशा एड होता है. ओके, क्योंकि वो पेमेंट अभी भी करना बाकी, आउटस्टैंडिंग मतलब विच इज पेंडिंग. तो एड टू एक्सपेंस करेंगे, ये खर्चा बाकी. और खर्चा बाकी है, देखो फर्स्ट वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट है थर्ड वाला. फर्स्ट वाले का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, उसमें हमने एडवांस में खर्चा किया था, यहाँ खर्चा करना बाकी है. तो एडवांस में खर्चा करना इज अ लाइव असेट. और सिमिलरली अब यहाँ पर सम नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चा से लाइबिलिटी. यही लाख यार पैसा पे करना अभी भी बाकी है, तो बाकी है तो लाइबिलिटी. चलो टिक करेंगे स्टूडेंट्स, वेजेस को टिक करो, रेंट को टिक करो, इंश्योरेंस को टिक करो. जो जो अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स, उन सबको आपको क्या करना है? टिक करते जाना है. तो क्या होगा, आपको जब सम करेंगे तब आपको आसानी पड़ेगी उसको सॉल्व करने में. चलो तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, मैं भी उसमें टिक कर लेता हूँ. तो अब तक आप लोग को क्या करना है? एक तो इंश्योरेंस बैड डेब्ट्स को मैंने टिक कर रहा हूँ. ओके, एंड उसके बाद किस किस में था? वेजेस एंड रेंट. तो लेट मी जस्ट फाइंड, वेजेस को भी मैं टिक कर रहा हूँ. आफ्टर दैट वेयर डू वी हैव रेंट, 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 रेंट. ओके,
चलो रेंट अभी तक नहीं मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स और क्या है हमारे पास? इंश्योरेंस हो गया। अच्छा इंश्योरेंस को दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक रिटर्न ट्रैवलिंग सॉल्ट फीस पोस्टेज बैड डेब्ट्स। चलो तो जो जो अमाउंट देंगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या करना है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। क्या लिखा हुआ है? राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 1500। चलो तो स्टूडेंट्स हमारा नुकसान हमारा बैड डेब्ट्स कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटर्स कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं? हमारे डेटर्स हमारा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं, मतलब लेस फ्रॉम डेटर्स। और ये क्या होगा? ऐड टू बैड डेब्ट्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे डेटर्स कम हो गए तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से नुकसान हो गया। तो लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स, लिखो यहाँ पे लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स। चलो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। किसके किसको टिक करेंगे हम? डेटर्स को भी टिक करेंगे, ओके डेटर्स को टिक करेंगे। और हम किसको टिक करेंगे? हम बैड डेब्ट्स को टिक करेंगे। चलो दोनों में एडजस्टमेंट है। सो देखो ये लास्ट वाला जो दिया ना रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो उसमें रेंट भी आ गया इंश्योरेंस भी आ गया। वहां पे अगर आपको लिखना तो लिख लो थ्री लाइंस, बिकॉज दो एडजस्टमेंट है तो थ्री लाइन छोड़ेंगे, दो एडजस्टमेंट है तीन लाइन छोड़ेंगे। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, ये जो रेंट एंड इंश्योरेंस है यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है तो इधर तीन लाइन छोड़ेंगे। एक एडजस्टमेंट जो हमको यहाँ पे इंश्योरेंस में दिया हुआ है और एक एडजस्टमेंट यहाँ पे जो रेंट में दिया हुआ है। ओके सो यू हैव टू लीव थ्री लाइंस, दो एडजस्टमेंट है। ओके एंड गोइंग विद द लास्ट वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एंड फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस। चलो डेप्रिशिएट क्या क्या करेंगे हमें? प्लांट एंड मशीनरी करना है, फर्नीचर करना है और फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस करना है। तो आपको चाहिए तो तीनों को टिक कर दो, ये तीनों चीज यहीं पे दिख रही है मुझे। और तीनों में क्या है स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट है। और डेप्रिसिएशन करना मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? अमाउंट ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है? ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? अमाउंट लेस होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस फ्रॉम असेट और पीएनएल डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड। ठीक है चलो ग्रेट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, मैं रब करने वाला हूँ एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू द एक्सेल शीट वेयर आई हैव टू सम आई हैव टू सॉल्व द सम। ओके तो स्टूडेंट्स आज सम सॉल्व करने के पहले स्टार्ट करने के पहले इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर आप लोग ने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, बहुत ही आसान सा सम है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा लूंगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो कि अगर कोई भी सम में कुछ भी डाउट है तो दिस इज द राइट प्लेलिस्ट व्हिच विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके तो स्टार्ट करेंगे सम नंबर 9 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 326 पर है और इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है। सो इन द बुक्स ऑफ और ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हुआ है और बैलेंस शीट भी दी हुई है। फाइन चलो और मैंने सब जगह 2019 लिख दिया है और फाइन इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा। चलो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम को। सबसे पहले जो थोड़ी बहुत चीजें जो मैं हर बार लिख लेता हूँ जो कॉमन है, टू ओपनिंग स्टॉक जो मुझे लग रही है इस बार भी कॉमन है, टू परचेज और क्या होता है स्टूडेंट्स लेस परचेज रिटर्न, ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर ही आता है। तो आपको चाहिए तो आप भी हर बार लिख सकते हो बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ग्रेट चलो तो सम की शुरुआत करेंगे। बड़े काफी बड़े बड़े अमाउंट दिए हुए, ध्यान रखना इस बार अमाउंट का 2,40,000 दिया हुआ है। परचेज नेक्स्ट इज परचेज 8,50,000, 8,50,000 का हमने परचेज किया था। ओके पर इसमें तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसको डिटेल कॉलम में डालेंगे। रिटर्न इनवर्ड, ओके रिटर्न इनवर्ड मतलब स्टूडेंट्स वो क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। तो आपको चाहिए तो आप भी यहाँ पे क्या नाम दे सकते हो? सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग भी क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज करेंगे। उन्होंने जो वर्ड यूज किया हम भी वही वर्ड यूज करेंगे, दैट कम्स टू 15,000 रुपीज। नाइस आफ्टर दैट वी हैव वेजेस, वेजेस में एडजस्टमेंट है। सो टू वेजेस 29,000। नेक्स्ट इज पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल, याद रखना स्टूडेंट्स जहां पे भी एडजस्टमेंट होगा वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है 21,800। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ओके तो स्टूडेंट्स आप लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करो उसमें भी आप ऊपर एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि वहां पर एक लाइन में आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट डालना होगा इसीलिए, तो आप एक लाइन छोड़ के रख दो वहां पर भी 14,700। ऑडिट फीस 7,000 रुपीज। नेक्स्ट इज रॉयल्टी, चलो रॉयल्टी स्टूडेंट्स कितना है? टू रॉयल्टी 72,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको पीएनएल के डेबिट में लिखूंगा टू डिस्काउंट। और डिस्काउंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1,750। ग्रेट। नेक्स्ट इज पोस्टेज, टू पोस्टेज, सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, कितना आएगा? 13,500, टू पोस्टेज 13,500। आफ्टर दैट वी हैव, अच्छा स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एज ऑलवेज हम लोग बैड डेब्ट्स का एक पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज कॉपी कर लेंगे, उसका जो फॉर्मूला है तो आई जस्ट राइट डाउन ओवर हियर।
हाँ सो फॉर्मूला क्वेश्चन बेड डेप्स आरडी आरडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस बीच के दो एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स बेड डेप्स का अमाउंट जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है वो हमें ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, और बीच के जो दो स्टूडेंट्स वो आपको कहाँ मिलेंगे एडजस्टमेंट मेज में मिलेंगे। फाइन, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स ये जो बेड डेप्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है वो कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 हमारे फॉर्मूला में 1 2 3 4 कौन सा नंबर है ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो ये फर्स्ट वाला ही होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला। और बेड डेप्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है 3000 रुपया, 3000 रुपीज। ग्रेट, नेक्स्ट वी हैव इज संडे डेटर्स है बैड डेप्स का। चलो तो ये वेबसाइट में आएगा स्टूडेंट्स, मैं संडे डेटर्स को यहाँ कहीं लिख रहा हूँ थोड़ा सा संडे डेटर्स, और संडे डेटर्स में भी दो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, आपको तीन लाइन छोड़नी याद से। संडे डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 5,20,000 रुपया। ओके ग्रेट, नेक्स्ट इज फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी, सो वी हैव अब सब में एडजस्टमेंट है फर्नीचर, इसका अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। नेक्स्ट वी हैव इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ओके प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया 15,00,000 रुपए। ओ माई गॉड, बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस कितना है 7,02,000 रुपए। ओके ग्रेट, और तीनों में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, इसलिए तीनों को डिटेल कॉल में डाल दिया। एंड फाइनली वी हैव वन मोर थिंग ओवर हियर, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, जिसमें स्टूडेंट्स दो एडजस्टमेंट है, तीन लाइन छोड़ दिए, टू रेट रेट्स एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या है अमाउंट दिया हुआ है 42,250। ग्रेट, तो यहाँ पे डेबिट साइड वाला ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रेडिट साइड, सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल दिया हुआ है। चलो कैपिटल लाइब्रेरी से आएगा, हमेशा कैपिटल के ऊपर से 7-8 लाइन छोड़ देने की इन जनरल, बस 13,00,000। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 1,20,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल। बिल्स पेबल 60,000, बिल्स पेबल 60,000 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्स, 25,00,000 रुपए का सेल्स है स्टूडेंट्स, 25,00,000 का सेल्स है, दैट्स अमेजिंग फिगर। और 25,00,000 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 15,000, तो 24,85,000 हो जाएगा। 25,00,000 में 15,000 माइनस किया तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 24,85,000। ग्रेट, नेक्स्ट आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड क्या दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड 8,000 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे 8,000 लिखने वाला हूँ मैं, 8,000, तो 8,50,000 में से 8,000 चला जाता हूँ, 8,42,000, 8,42,000, काफी बड़े बड़े अमाउंट है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बी प्रिसाइज एंड एकदम संभाल के आप लिखो। आप कॉमा वगैरह यूज कर सकते हो ताकि आपको अमाउंट बराबर पता चले। डिस्काउंट दिया 2,000 और क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स, तो बाय डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया 2,000 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव इस बैंक ओवरड्राफ्ट 1,54,000, तो बैंक ये भी हमारे लिए करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,54,000, इसको हम बोलेंगे 1,54,000 बोलेंगे, 1,54,000। एंड फाइनली स्टूडेंट्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, तो चलो बैड डेट्स के फॉर्मूला में चलेंगे। देखो रिजर्व तो हमारे 1 2 3 4 हमारे पास टोटल 4 है, बैड डेट्स आरडीडी आरडीडी, तो या तो ये मेरा थर्ड या तो नंबर 4 हो सकता है, बिकॉज आरडीडी है ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बताओ नंबर 3 होगा या नंबर 4 होगा। अच्छा ये अमाउंट जो 8,000 स्टूडेंट्स को हमें कहाँ मिला है, ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब ये नंबर 4 ही हो सकता है हमारा। फाइन, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, जिसके मैंने सिर्फ एक एक इफेक्ट डाले हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट, चलो एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट दिया हुआ इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू एक्सटेंट ऑफ 2,250, चलो तो इंश्योरेंस यहाँ पे डाला हुआ है। प्रीपेड स्टूडेंट्स क्या होगा, एड होगा कि लेस होगा, ऑफकोर्स लेस होगा, लेस प्रीपेड कितना अमाउंट है 2,250, तो 42,250 माइनस 2,250 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 40,000 रुपए एक्जैक्ट। आई गेट वेरी हैप्पी जब एकदम एक्जैक्ट नंबर पूछा जाता है, वाह वाह। और स्टूडेंट्स एडवांस में प्रीपेड, प्रीपेड, प्रीपेड क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस ना, हमने एडवांस में खर्चा कर दिया, तो इट्स एन इंश्योरेंस, इट्स एन असेट फॉर अस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस, और कितना अमाउंट आएगा 2,250 आएगा। ग्रेट, तो क्या कर दिया हमने, लेस फ्रॉम एक्सपेंस और असेट में डाल दिया, बिकॉज एडवांस में खर्चा किया था उसको लेस कर दिया, क्योंकि वो खर्चा इस साल से बिलोंग ही नहीं करता है तो उसको लेस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट असेट में डाल दिया। फाइन स्टूडेंट्स, देखो ये 40,000 अभी भी आउटर कॉलम में आएगा, क्यों आउटर कॉलम में आएगा, बिकॉज अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है, तो हम फिलहाल इसको अभी भी मतलब डिटेल वाले कॉलम में डालेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं डालेंगे, स्टिल एडजस्टमेंट लेफ्ट इन इंश्योरेंस। ओके, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस वाले में अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है। और अगर आप लोग ने एक और बात नोटिस की होगी, मैंने डेटर्स की यहाँ पे तीन लाइन छोड़ी, बिकॉज उसमें दो एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैंने तीन लाइन छोड़ी है, तो आप लोग को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा कि कहाँ पर कितनी लाइन्स छोड़नी है, सो दैट आपको आगे जाकर ओवरराइटिंग नहीं करना पड़े, स्क्रिबल नहीं करना पड़े, कैंसिलेशन नहीं करना पड़े। फाइन, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 380 और 4,00,000, तो स्टूडेंट्स मैं 380 करूंगा, विच एवर इज लेस,
तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 380,000। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ग्रेट। थर्ड वन, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस और रेंट दिया। चलो आउटस्टैंडिंग है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। कितना अमाउंट स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस का ऑलरेडी 29,000 दिया, उसमें हमें कितना ऐड करना है, और 6,000 रुपए ऐड करना है, 6,000 ऐड करना है। तो 29 + 6 कम्स टू 35,000। ओके चलो, वेजेस में मैंने ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, अब मैं रेंट में जाऊंगा। रेंट में भी स्टूडेंट्स अभी हमें क्या करना है, ऐड करना आउटस्टैंडिंग, और कितना अमाउंट दिया हुआ है, 5,000 रुपीज दिया हुआ है, ग्रेट। तो अब यहाँ पे आउट ऑफ कॉल में 45,000 आ गया। देखा मैंने बताया था स्टूडेंट्स, रेंट रिटर्न इंश्योरेंस में भी दो एडजस्टमेंट है और तीन लाइन छोड़नी है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब स्टूडेंट्स अभी भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, तो उसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड। क्या है, वेजेस और रेंट। वेजेस का अमाउंट कितना बताया था उन्होंने हमें, 6,000 बताया था, और रेंट का 5,000 बताया था। दैट कम्स टू हाउ मच, 6 + 5 = 11,000, ग्रेट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारा, एडजस्ट नंबर नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, राइट ऑफ फॉर द बैड डेब्ट्स। चलो बैड डेब्ट्स स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमारा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटर्स कर सकते हैं, बिकॉज उनसे हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो हमें टाइम टू टाइम पेमेंट देंगे, बट अगर वो हमें निराश करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारा नुकसान हो सकता है। तो जो एडजस्टमेंट भी दिया उसको मैं क्या नाम दूंगा, एड फर्दर बैड डेब्ट्स करूंगा स्टूडेंट्स। और कितना बैड डेब्ट्स हुआ था हमारा, 1,500 रुपया। चलो तो 52,520 खाली 1,500 रुपया, 5,20,000 से 1,500 गया, तो कितना बचेगा, 5,18,500। ओ बहुत ही गंदा अमाउंट आया, 5,18,500। तो लेस फ्रॉम डेटर्स, और क्या करेंगे यहाँ पे, बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे 1,500 रुपया। लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी, कितना परसेंट है, 5% है। ओके चलो, 5,18,500 का 5% निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें। तो पहले 10 पे हाथ रख दो, अगर आप 10 पे हाथ रखोगे स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा, 5,18,000 था ना, तो 51,850 हो गया, 51,850 का आधा, 51,850 का आधा। चलो लेट्स टू आधा करना पड़ेगा, 2 आएगा वहां पर, उसके बाद 1, 1 तो 5 आएगा, फिर 9 आएगा, वापस 2 आएगा और 5 आएगा, तो कुछ 25,000 स्टूडेंट्स आ रहा है। कितना है, 25,925। ओके जस्ट लेट मी चेक, 1,850 बराबर 925। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, 25,925 आ रहा है, 2, 1 कैरी, 5 फिर 7 कैरी, 9, 2, 5, 25,9। चलो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। ओके उसके बाद 8 है ना स्टूडेंट्स, 14 में से 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, एंड 0 48। चलो तो 4,82,000 हो रहा है स्टूडेंट्स, हाँ 4,82,000 हो रहा है। मेरा पेन नीचे गिर गया है, जस्ट 1 सेकेंड, या सो 4,82,575। लास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से 2 गया तो 0, just one second, let me just check again, 18,000 ना, तो students ये 5,92,000, 4,92,575 हो रहा है, 0, 5, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 4, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, फिर 8 का 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, okay, 11 में से 2 गया तो फिर 9 बचेगा, great, 4,92,725, students का second effect 25,925, okay, so let's put it in the outer column, अब कितना आएगा students, let's see, just, लेट मी टेक, देखो मेरे हाथ में एक पेन और पेंसिल है तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 25,925 और प्लस कितना है, 4,500 प्लस 4,500, तो 5, 2, 4, 1 कैरी, 0, 1 कैरी, 3, 30,425 आ रहा है, और 30,000 में से अगर तो 22,800 गया तो 22,425, चलो तो 22,425 मैंने आउटर कॉलम में डाल दिया है। ओके सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, गोइंग टू द लास्ट एडजस्टमेंट, क्या है लास्ट एडजस्टमेंट हमारा था, डेप्रिशिएट करना है। चलो सो लेट्स राइट ओवर हियर, डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर को, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% हो गए, 10% पर एनम
तो हमने क्या क्या स्टूडेंट्स फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया है, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट किया है, 10% ऑफ फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस को 15% से करेंगे, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस को 15% डेप्रिशिएट करना है, नो प्रॉब्लम। फर्नीचर का 10% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12,000 आएगा, 1,20,000 तो उसका 12,000 आ जाएगा, ये कितना है 15 लाख है, तो 15 लाख का स्टूडेंट्स कितना होगा 1.5 लाख हो जाएगा, 10, 100, अच्छा 1.5 लाख हो जाएगा, चलो तो 1 लाख 20 से 12 क्या, तो कितना बचेगा 1,08,000, 15 लाख में से 1,50,000 क्या, तो कितना बचेगा 13,50,000, और 70,000 ये कितना है 7,02,000, कितना है 7,02,000 रुपीज, उसका 15% मुझे कैलकुलेट करना होगा, 7,02,000 इंटू 15/100 20 कट, 7,02,000 मल्टीप्लाई बाई 15, तो चलो 5 2 10 वन कैरी, और 5 7 35, 0702 035, 1,05,300 आ रहा है, 1,05,300, तो 1,05,300 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 7,02,000 में से 1,05,300 माइनस करेंगे, 0 0 10 में से 3 का, तो 7 11 में से 5 का, तो 6 9, 5,96,700, 5,96,700, 5,96,700 स्टूडेंट्स हमारा आ रहा है अमाउंट, ओके चलो ग्रेट। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे हम लोग ने यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट इफेक्ट डाल दिया, तो अब हम क्या करेंगे सेकंड इफेक्ट की तरफ जाएंगे, कहाँ डालेंगे सेकंड इफेक्ट, पीएनएल डेबिट साइड डालेंगे, लेट्स गो टू पीएनएल डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन, चलो टू डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, तीनों का क्या नाम दिया हुआ है लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम, फर्नीचर प्लांट मशीनरी और फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, तो फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ग्रेट। चलो तीनों का अमाउंट क्या था सुनो, हम लोग देख लेंगे एक बार, तीनों का अमाउंट क्या था, दिस पार्ट इज नॉट कंफर्टेबल आई एम सेटिंग, थोड़ा सा क्या है 1,20,000 है, नहीं 12,000 है और 1.5 लाख है, चलो क्या आएगा 12,000 आएगा, ओके फिर 1.5 लाख आएगा, और ये कितना 1.5 लाख है, और कितना 1,05,300, चलो ये भी मुझे चेक कर दो, 1,05,300 बराबर है, ग्रेट। तो तीनों को प्लस कर देंगे अभी, 1,50,000, 1,62,000, 2,67,000, 2,67,300 हमारा अमाउंट आ रहा है, 2,67,300, चलो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमारा पूरा का पूरा सम कंप्लीट हो चुका है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग के पास कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, नहीं कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग सम को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, लेट्स स्टार्ट, 2,48,000 + 3,80,000, ओह माय गॉड, 24,85,000 प्लस, चलो मेरे पास एक पेपर है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सारा का सारा कैलकुलेशन करने वाला हूँ, देखो मैंने जस्ट एक पेपर ले लिया है, और 2,485,000 + 3,80,000 अगर देखा इसको रोली भी कर सकते हैं, 3 0 तो पीछे आने वाला है, 85 और 80 कितना होगा 65 हो जाएगा, 2,48,000, 48 + 3 कितना होता है तो 52 हो जाएगा, 2 लाख नहीं 24,85,000 है ना, नहीं इतना नहीं है, चलो दिमाग से 24,85,000, और ये कितना है 3,80,000 है, 3,80,000 है, 5,00,061 carry 8, 28,65,000, 28,65,000 आएगा क्वेश्चन, ये बाजू भी हम लोग कितना लिखेंगे 28,65,000 ही लिखेंगे, चलो अब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, सारा डेबिट में कितना दिया है, सबसे पहले कितना 2,40,000 दिया है, 2,40,000 और 8,42,000 मतलब कितना होगा 12,82,000, 12 लाख नहीं सॉरी 10,82,000 होगा, 10,82,000, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, 35 + 21 कितना होगा 35, 45, 55,
56,000, 35, 45, 56,000, 800. After that, what do we have? 72,000. 72,000. चलो, 008. ठीक पीछे 800 आ जाएगा. 10 one carry. फिर ये कितना है? 15, 20, 21 दो carry. तो 12,10,800 आ रहा है. तो 28,65,000 माइनस 12,10,000 800. 0, 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 4. 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 6 बचेगा 11. तो स्टूडेंट 16,54,200 आ रहा है. 16,54,200. ग्रेट. और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट कितना है? 16,54,000 54,200. तो 16,56,000 आएगा. 16,56,200. 16,56,200 यहाँ भी आएगा. 16,56,200. चलो सब सारे डेबिट अमाउंट को हम देख लेंगे कितना अमाउंट है. फाइन, दो दो से स्टार्ट. 12, 14 + 7 कितना होता है? 21,700. ओके, ये कितना है? 13, 14, 15,250. कितना है? 45, 55, 65, 67, 67,425. और फाइनली कितना है? 2,67,300. 2,67,305. 7, 10, 16, 1 carry, 9, 14, 21, 2 carry, 10, 11, 17, 1 carry. तो 371,675 है. तो स्टूडेंट्स कितना है? 16,56,200 माइनस करेंगे 371,675. 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 1, 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 15 में से 7 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 12,84,525. चलो, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अभी हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया, अब हम उसको ऐड करेंगे. फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं. अब हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट. और कितना नेट प्रॉफिट आया? 12,84,525. चलो, तो 12 और 13 कितना होता है? 15,00,000 हो गया, 84,000 हो गया. नहीं, 15 नहीं, ये तो 25 हो जाएगा. 12 और 13 कितना होता है? 25, 84,525. ग्रेट. चलो, तो फाइनल स्टेज पहुंच चुके हैं. ये कितना है? 25,84,25,85 प्लस करेंगे 1,20,000 और 1,80,000 हो गया, 1,80,000 हो गया. उसके बाद कितना दिया हुआ? 1,54,54, 64, 65, 1,65,000. 525, 9, 16 + 6, 22, 2 carry, 5, 9, 29, 29, 525. कितना आएगा? 29, 29, 525. चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 29, 29, 525. ओके, ऑप्शन असेट साइड प्लस करेंगे. लेट्स गो टू द असेट साइड. कितना दिया? 1,08,000 है, 13,50. तो 14,58,000 है ना. 5,96,000. 5,96,000. 5,96,700. उसका दिया कितना है? 4,92,575. और कितना? 3,80,000. तो 3,82,000. 3,82,250. 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 कैरी, 3, 10, 15 आएगा, 1 कैरी, 9, 1, 9, 11. 11 और 6, 17, 17 और 2, 19, 1 कैरी,
कितना 9, 14, 14 और 9 23, 23 और ये 32, तो 3 3 6 10, 19 1 कैरी। तो स्टूडेंट्स 29 29 5 25 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 29 29 5 25 अगर आपको चेक करना हो तो। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सब भी पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट हैव अंडरस्टूड। सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस समझना है अच्छे से, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दो, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर और फाइनली सम को टैली कर दो। काफी ज्यादा आसान है, आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ रहा है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब सो फार, एंड प्लस कमेंट कर दो कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच, शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।